बारे में देखते हैं। तो ऑक्सीटोसिन एक ऑक्टोपेप्टाइड होता है जो कि हाइपोथैलेमस में सिंथेसिस होकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है, ठीक है। और इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ऑक्सीटोसिन जब हम देते हैं तो कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो पेरेंटल यूज के लिए ऑक्सीटोसिन को बहुत सारे सिंथेसिस प्रिपरेशन होते हैं, जो जैसे कि सिंटोसिनोन होता है, सिंटोसिनोन 5.4 पर ml इन एम्प्यूल्स में आता है, ठीक है। लेंथ कितनी हो रही है या फिर ड्यूरेशन उसका कितना
100 से अगर अधिक हो रहा है या फिर यूटेराइन वॉल कनेक्शन एब्सेंट हो गया है तो उस कंडीशन में तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया हमारा ऑक्सीटोसिन। सेकेंड हम रिपोर्ट डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। करने से पहले और इंफ्यूज करने के दौरान हम पल्स चेक करते रहेंगे, पेशेंट की बीपी
मदर्स पर ऑक्सीटोसिस का इफेक्ट करते हैं और मायोमेट्रियम में जो ऑक्सीटोसिन के प्रति जो मायोमेट्रियम है यूट्रस की उसको ऑक्सीटोसिन के प्रति सेंसिटाइज करते हैं, ठीक है। और PGE2 जो होता है वो सर्विक्स पर इफेक्ट करता है मेनली, और PGF2 alpha होता है वो मेनली मायोमेट्रियम पर इफेक्ट करता है, उस पर एक्ट डालता है, ठीक है। इसके इंडिकेशन क्या क्या होते हैं जिस किस में यूज करते हैं, तो इंडक्शन ऑफ लेबर, लेबर के इंडक्शन में इनको यूज किया जाता है, और हाइड्रेटिव मोल के एक्सपल्सर में इसका यूज किया जाता है, और अबॉर्शन को इंड्यूस करने में, ठीक है, और लेबर की स्पीड को बढ़ाने में भी इनका यूज होता है, और एटोनिक PPH में ब्लीडिंग अगर हो रही है तो उसमें उसका यूज किया जाता है, और सर्विस को सॉफ्ट करने के लिए भी प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज किया जाता है। अब इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं किस किस कंडीशन में इनका यूज नहीं करते, तो हाइपर सेंसिटिविटी में इनका यूज नहीं करते, अगर ड्रग से पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है तो, या फिर यूटेराइन फाइब्रोसिस में यूज नहीं करते, सर्विक्स स्टेनोसिस, ठीक है, और पेल्विक अगर कोई सर्जरी हो रखी है वुमेन की, या फिर पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज है, या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है पेशेंट को, तो इन सब कंडीशन में इनका यूज नहीं करते। अब डोज ऑफ डोज है और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होता है कि जो टेबलेट PGE2 है 0.5 mg ओरली उसको देते हैं, ठीक है, और वेजाइनल सपोजिटरी आती है PGE2 की, ठीक है, तो वो 20 mg आती है, और PGF2 alpha की 50 mg आती है, ठीक है। तो वेजाइनल सपोजिटरी दो की आती है PGE2 की और PGF2 alpha की, ठीक है, और वेजाइनल पेसरी आती है PGE2 की 3 mg की वेजाइनल पेसरी आती है, ठीक है, और PGE2 1 mg या फिर PGF2 alpha 5 mg बाय पेरेंटल रूट भी यूज की जाती है, और PGE1 50 mg ओरली वेजाइनली एंड रेक्टली रूट से एडमिनिस्टर की जाती है, ठीक है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट या कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि हेडेक, डिजीनेस, हाइपोटेंशन होना और लेग क्रांस होना, जॉइंट में स्वेलिंग आना, या फिर ब्लड विजन होना, ये सब इसके साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ नर्सिंग केयर क्या करेंगे, तो पेशेंट की वाइटल्स हम देखेंगे, पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी रेट है, रिदम है, डेप्थ है, उसको नोट करेंगे, ठीक है, और पेशेंट ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन के से पहले किसी भी प्रकार का कोई वेजाइनल डिस्चार्ज है, पेरिनियल इचिंग है या इरिटेशन है तो उसको नोट करके तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से पहले एंटी इमेटिक या एंटी डायरियल ड्रग उसको देंगे, और यदि जो ड्रग्स है उसको वेजाइनली यूज किया जा रहा है तो उसको डीप वेजाइनली इंसर्ट करेंगे, और ड्रग्स को वेजाइनल इंसर्शन के बाद में पेशेंट को 10-15 मिनट तक सुपाइन पोजीशन में लेटने को बोलेंगे, और उसके बाद में कॉन्ट्रेक्शन की ड्यूरेशन और लेंथ को नोट करेंगे, और कॉन्ट्रेक्शन की ड्यूरेशन को अगर 1 मिनट से ज़्यादा हो रहा है या फिर कॉन्ट्रेक्शन एब्सेंट है तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है।